हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में इन लीनियर एलजेब्रा हम लोगों ने रैंक एंड नलिटी दैट इज आवर फिफ्थ चैप्टर वो हमने स्टार्ट किया था एंड उसके कुछ इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ दिया था आप लोगों को। आज हम एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे किस तरह से नल स्पेस और रेन स्पेस किसी ट्रांसफॉर्मेशन का निकाला जाता है। तो उससे पहले नल स्पेस ऑफ टी, एन ऑफ टी जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यू वेक्टर टी ए ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम कैपिटल यू वेक्टर स्पेस टू वी ओवर दे आर ओवर सेम फील्ड एफ। सो एन ऑफ टी के अंदर यू के वो वेक्टर्स जो वी वेक्टर स्पेस के जीरो पे मैप होते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर जो मैप हो रहे हैं वी के, वो सारे यू वेक्टर्स का कलेक्शन एन ऑफ टी में है। एंड आर ऑफ टी में यू वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का कलेक्शन आर ऑफ टी के अंदर है, ठीक है। तो ये नल स्पेस ऑफ टी, रेन स्पेस ऑफ टी एंड दी बोथ आर वेक्टर सब स्पेसेस, ये हमने प्रूव किया था। कुछ थ्योरम्स और हैं इस चैप्टर की, वो हम आफ्टर दिस एक्सरसाइज करेंगे। सो दीज टू आर वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ, ओके, वेक्टर सब स्पेसेस हैं बट एन ऑफ टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ कैपिटल यू एंड दिस आर ऑफ टी इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ कैपिटल वी। क्लियर? सो अभी कुछ हम प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। और एक बात और यहाँ पे कि एन ऑफ टी की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इज कॉल्ड एज नलिटी, वही नलिटी कही जाती है। एंड डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी दैट इज डायमेंशन ऑफ रेन स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो अब एक्सरसाइज 5.1 में एक प्रॉब्लम है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम, टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले से गिवन है। आर टू के कोई एक एलिमेंट है एक्स वन कोमा एक्स टू, ये किस तरह से मैप है, एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा एक्स वन इस तरह से। तो अब एन ऑफ टी एंड आर ऑफ टी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एन ऑफ टी के लिए हम करते हैं कि किस तरह से नल स्पेस ऑफ टी यहाँ पे डिफाइन होगा। देन एन ऑफ टी होती क्या है, पहले वो आपने लिखनी है कि वो यू के वो वेक्टर्स, मतलब आर स्क्वेयर के वो वेक्टर्स, आर स्क्वेयर के वेक्टर हैं एक्स वन कोमा एक्स टू टाइप से, ठीक है, डोमेन के, सच दैट आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू वो बने जीरो, और वी ये जो वेक्टर स्पेस है इसका जीरो एलिमेंट हमें दिखेगा किस टाइप से, जीरो कोमा जीरो, ठीक है। नाउ टी ऑफ एक्स वन एक्स टू को अगर हम जीरो कोमा जीरो के इक्वल कर दें तो जो एक्स वन एक्स टू की वैल्यू है वो हमें चाहिए, ठीक है। नाउ टी ऑफ एक्स वन एक्स टू किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट टर्म पर इज एक्स वन प्लस एक्स टू एंड सेकेंड इज एक्स वन इज इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। इनको इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स वन की वैल्यू जीरो, एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू जीरो, सो ये इम्प्लाई करेगा एक्स टू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो एक्स वन एक्स टू कोई कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था डोमेन से आर स्क्वायर से, जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने इक्वल टू जीरो रखा, क्यों, क्योंकि हम नल स्पेस ऑफ टी फाइंड आउट करना यहाँ पे चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू आई जीरो कोमा जीरो, ओके। इट मीन्स कोई भी आर्बिट्री वेक्टर लो वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो कोमा जीरो के। दिस विल इम्प्लाई दैट नल स्पेस ऑफ टी के अंदर हमारे पास सिंगलटन एक ही एलिमेंट है एन ऑफ टी के अंदर, ठीक है, जीरो कोमा जीरो ही वेक्टर है। अब हम नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, रेन स्पेस ऑफ टी सेकेंड जो पार्ट है वो आर ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए है। अब आर ऑफ टी की सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, आर ऑफ टी इज मतलब है टी ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर लगी हुई, आर टू के किसी वेक्टर के ऊपर टी ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि ये वेक्टर कहाँ से होना चाहिए, डोमेन से, क्योंकि यहाँ दोनों आर स्क्वेयर हैं इसलिए आपको सेम दिख रहा है, बट ये डोमेन से किसी वेक्टर की इमेज यहाँ पे लिखी जाती है। नाउ टी ऑफ एक्स वन एक्स टू है क्या, दिस इज एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा एक्स वन, ओके, जिसके अंदर ये एक्स वन एक्स टू क्या है, रियल नंबर्स हैं। देखिए मैं अगर एक्स वन कोमा एक्स टू में लिख रही हूँ तो वो दोनों, मैं ये लिखना चाह रही हूँ कि दोनों रियल नंबर्स हैं, एक्स वन
टपल में अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है मैंने एक्स वन कोमा एक्स टू इन दिस ब्रैकेट, इसका मतलब है वो आर स्क्वायर का एलिमेंट है, अभी भी ये दोनों रियल नंबर्स ही, क्लियर? अभी भी ये दोनों, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर मीन्स आर क्रॉस आर, इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, और क्योंकि दोनों आर हैं तो ये दोनों वेक्टर, ये जो एलिमेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं ये दोनों भी रियल हैं। बट अगर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते हो तो ये आर स्क्वायर का एलिमेंट है, विदाउट ब्रैकेट अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब है दो एलिमेंट जो रियल है। क्लियर, समझ में आई ये बात? ठीक है, तो देखिए आर टी के अंदर सेकेंड एलिमेंट है ये रियल है, फर्स्ट एलिमेंट ये कैसा एलिमेंट रहने वाला है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दो रियल नंबर्स का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पूरा आर स्क्वायर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, होल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन आर क्रॉस आर, सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर होल आर स्क्वायर, चूंकि डोमेन है हमारा, सॉरी जो रेंज है हमारी आर ऑफ टी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ कोडोमेन। ठीक है, आर ऑफ टी इसका सबस्पेस होता है, और वो कितना आ गया, आर ऑफ टी आइदर इक्वल हो सकता है या उसका प्रॉपर सबसेट रह सकता है आर स्क्वायर का, कोडोमेन का। तो यहाँ पे रेंज स्पेस क्या आ गया, होल आर स्क्वायर, नल स्पेस कितना है यहाँ पे, सी। ओके, अगर हमें यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, अगर डायमेंशन की बात करनी हो कि नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आई और रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी आई, तो यहाँ पे एन ऑफ टी में अगर सिर्फ जीरो वेक्टर होता है तो डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी वो कितनी बोली जाती है, सिंपली जीरो। और डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी कितनी आई, आर ऑफ टी इक्वल टू आया है आर स्क्वायर के, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है, टू। यहाँ एक थ्योरम भी है कि सेल्वेस्टर थ्योरम, अभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है बट मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे देना चाहती हूँ। सेल्वेस्टर लॉ क्या कहता है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन का, अब टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे इस एग्जाम्पल केस में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो रैंक ऑफ टी कितनी आई, दैट इज टू, नलिटी ऑफ टी इज जीरो, इक्वल टू डायमेंशन डोमेन की कितनी है, बात क्लियर है? अगर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम यू टू वी, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन किसके, यू के डायमेंशन के, इक्वल। दिस इज सिल्वेस्टर्स लॉ, ये हम इसका प्रूफ देखेंगे बट यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम थी। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम सेकेंड एक प्रॉब्लम और यहाँ पे देखते हैं। टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, ओके ना, एंड टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू, बिकॉज ये आर स्क्वायर पे अप्लाई हुआ है तो वी डिफाइन की हुई है एक्स वन कोमा एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा एक्स टू क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। देन फर्स्ट थिंग इज आपने एन ऑफ टी कैलकुलेट करना है, एंड सबसे पहले अगेन एन ऑफ टी की डेफिनेशन लिखेंगे। एन ऑफ टी ऑब्वियसली आर स्क्वायर का सबसेट होगा, तो उसके अंदर कोई एक्स वन एक्स टू टाइप के एलिमेंट रहेंगे और वो क्या सेटिस्फाई करते होंगे, सच दैट टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू आर क्यूब के जीरो पे मैप हो, आर क्यूब का जीरो ऐसा दिखता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एलिमेंट देख लीजिए, टी ऑफ एक्स वन एक्स टू इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा एक्स टू जीरो 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 के ऊपर। अब इक्वेट करेंगे तो एक्स वन भी जीरो और एक्स टू भी यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट अगर हम आर स्क्वायर का ले रहे हैं तो वो जीरो के ऊपर मैप हो रहा है। तो इसका मतलब है एन ऑफ टी के अंदर जो वेक्टर है वो सिंपली जीरो जीरो, ठीक है, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो नहीं होगा, बिकॉज एन ऑफ टी आर स्क्वायर का सबसेट होता है, आर क्यूब का नहीं। ठीक है, एन ऑफ टी जीरो 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 आ गया, डायमेंशन ऑब्वियसली बता सकते हो आप कितनी आएगी, जीरो आ गई, नलिटी ऑफ टी जीरो आ गई। अब हमने रेंज स्पेस ऑफ टी कैलकुलेट करना है, रेंज स्पेस ऑफ टी का मतलब टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू आपने फाइंड आउट करना है, जबकि ये एक्स वन कोमा एक्स टू एलिमेंट कहाँ से है, ये आपका आर स्क्वायर से है। ठीक
ठीक है, टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू, टी ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर क्यूब, ऑब्वियसली टी इसके एलिमेंट के ऊपर लगेगा, वो किस टाइप किस किस तरह की इमेज देगा, मान लीजिए वाई वन वाई टू वाई थ्री टाइप की इमेज दे रहा है वो, ठीक है, ये सम वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई थ्री टाइप की इमेज देता है, जहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री कैसे मिला है हमें, जब हमने वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या है टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू, ठीक है, अब टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू क्या है वाई वन वाई टू वाई थ्री इज इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा एक्स टू, टी ऑफ एक्स वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इनको जब इक्वेट करोगे आप लोग तो वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स वन, ठीक है, वाई थ्री इज इक्वल्स टू एक्स टू, और ये क्या हो गया y2, y2 is equals to x1 plus x2, it means y2 is equals to y1 plus y3, ठीक है, तो ये हमारे पास r of t किसमें रिड्यूस होके आ गया y1 comma y2 comma y3, where y1 y2 y3 में रिलेशन क्या आया y2 is related with y1 plus y3, समझ रहे हैं आप, तो इस तरह से ये रेंज स्पेस ऑफ टी आ गई। अब इसकी डायमेंशन कितनी होगी अगर निकालनी हो तो आपने ये इस चीज को कैसे समझना है यहाँ पे बताओ, आप लोगों ने इसका मुझे आंसर करना है कि जैसे कोई आपके पास वेक्टर स्पेस होता था डब्ल्यू कोई वेक्टर स्पेस है एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री, सेम क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे पूछ लू, एंड एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री, देन आपने डायमेंशन बतानी थी डब्ल्यू, लाइक वाइज डायमेंशन बताइए आर ऑफ टी की, ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आर ऑफ टी निकालना था सिंपली वो मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोग मुझे बताएंगे इसकी आर ऑफ टी की डायमेंशन कितनी होगी, यहाँ पे सिल्वेस्टर लो यूज करना चाहें वेलकम टू डू दैट, आप अपनी मर्जी से वहाँ पे सिल्वेस्टर लो यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आर ऑफ टी कितना ईजी है, ट्राई कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, टी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एफ टू एफ, फंक्शंस हैं या लगा लीजिए पॉलिनोमियल्स हैं, से पॉलिनोमियल्स का सेट है, एंड पी एक्स कोई भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन आपने लिया एक्स का, पॉलिनोमियल फंक्शंस ही यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, मेंशन तो प्रॉपरली यहाँ किया नहीं गया है, सो पी एक्स से एक्स टाइम्स ऑफ पी एक्स मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, देन नाउ द फर्स्ट थिंग इज हमें निकालना है एन ऑफ टी, एन ऑफ टी के लिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मतलब है कोई ऐसी पॉलिनोमियल पी एक्स टाइप की जो कि एफ में बिलोंग करती है सच दैट टी ऑफ पी एक्स जीरो, इसके पास जीरो पॉलिनोमियल किस तरह से दिखती है सिंपली इस तरह से देखिए जीरो पे मैप होती हो, तो एक्स टाइम पी एक्स टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस और वो जीरो हो, इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या इम्प्लाई करते हैं हम यहाँ पे कि वो पॉलिनोमियल कैसी हो इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक जीरो पॉलिनोमियल सी होगी उसके साथ हम किसी भी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या रहेगी जीरो, सो एन ऑफ टी के अंदर सिंपली जीरो पॉलिनोमियल होगी, दिस इज आवर एन ऑफ टी, आर ऑफ टी देखिए अब आर ऑफ टी means वो functions t of px type के function जहाँ पे जो px था ये काम किसका था domain f से, अब now t of px मान लीजिए कोई gx type की polynomial आएगी, ठीक है, gx means px पे transformation अप्लाई होने के बाद जो आपके पास रेंज में गया दैट इज जी एक्स से मैं जी एक्स बोल रही हूँ, नाउ दिस जी एक्स इज एक्चुअल में क्या है एक्स टाइम्स पी एक्स, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है पी एक्स उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल थी कुछ इस टाइप की एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइप से उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, ये एक ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो ये एक्चुअल में यहाँ जो पॉलिनोमियल्स लिखी हुई है विदाउट कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है,
इसका मतलब है जब ऐसे पॉलिनोमियल्स को या तो विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म ये हम मेंशन कर सकते हैं, या एक्चुअल में जो जी एक्स है ये ऐसी पॉलिनोमियल्स हो गई कि अगर उनमें हम जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हमें जीरो ही मिलेगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी चीज़ है उसको लिखने का एक तरीका है कि इसके अंदर वो पॉलिनोमियल्स हैं जी एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स जीरो सॉरी जीरो रखने पर जीरो मिलता है। ठीक है, तो आर ऑफ टी ये हो गया। क्लियर। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे में दिया गया है कि रेंज रैंक, पहले रेंज निकालनी है, नल स्पेस निकालना है, देन रैंक नलिटी उनकी निकालनी है, और किन की बारे में ये सब हमें चीज़ें बतानी है। ये है सबसे पहले आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब भी कोई वी वेक्टर स्पेस है या यू वेक्टर स्पेस है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस से सेम के ऊपर डिफाइन होती है, बिकॉज हर एक एलिमेंट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप के ऊपर ही मैप होता है। ठीक है, एक तो इस वेक्टर स्पेस की रेंज नल स्पेस बताना है, देन रैंक नलिटी बतानी है। इसी तरह से जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ये वी वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को जीरो के ऊपर मैप करने वाला है। ठीक है, तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन दोनों के बारे में ये चार चीजें हमें बतानी है। जीरो ऑफ एक्स क्या करता है, जीरो ऑफ वी पे मैप करता है हर एक एलिमेंट को। ओके, तो अब हमारे पास पहले है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम ले लेते हैं और इसके अंदर एन ऑफ टी की बात करते हैं। एन ऑफ टी नहीं, टी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आई ट्रांसफॉर्मेशन है, एन ऑफ आई। एन ऑफ आई का मतलब है हमारे पास वो वेक्टर स्पेस एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट आई ऑफ एक्स जो कि किसके ऊपर मैप हो, जीरो ऑफ कोडोमेन। ठीक है, जो जीरो के ऊपर मैप हो, बट हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है कि वो हर एक एलिमेंट को अपने ऊपर ही मैप करती है। तो जो जीरो एलिमेंट के ऊपर मैप किया होगा वो भी किसे किया होगा, सिर्फ जीरो को ही मैप किया होगा। ठीक है, डोमेन के जीरो को ही, कोडोमेन के जीरो के ऊपर मैप किया होगा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, बिकॉज हमें पता है यहाँ से इसी से हम बता सकते हैं आई ऑफ एक्स को जीरो पे मैप किया होगा। आई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स एक्चुअल में जीरो ऑफ यू होगा। ठीक है, इस यू नहीं, मेरे पास दोनों ही वी है, तो इस वी वेक्टर के जीरो को जीरो पे मैप किया होगा। तो एन ऑफ आई के अंदर जो एलिमेंट आया होगा वो सिंपली यहाँ पे जीरो आना होगा। ठीक है, एन ऑफ टी में सिंगलटन एक एलिमेंट, देयरफॉर नलिटी ऑफ आई कितनी हो गई, जीरो। सिंपल जीरो एलिमेंट होने पे उसकी डायमेंशन जीरो होती है, बिकॉज वो बेसिस नहीं मिलता वहाँ पे। नाउ आर ऑफ आई के बारे में बात करनी है। आर ऑफ आई के अंदर मतलब आई ऑफ किसी आर्बिट्रेरी एक्स वी का कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज हमने देखनी है। तो देखिए वेक्टर स्पेस दोनों सेम है और ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करे, इसके हर एक एलिमेंट को, इसके हर एक एलिमेंट सेम वेक्टर स्पेस है, हर एलिमेंट अपने ऊपर ही मैप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स के ऊपर मैप कर रहा है, और एक्स किसका एलिमेंट है, डोमेन से आता है, इसका मतलब पूरा डोमेन आ गया, पूरा डोमेन आ गया, तो मतलब आर ऑफ आई पूरा वेक्टर स्पेस वी बन गया, पूरा वेक्टर स्पेस वी। तो इसकी आर ऑफ रैंक ऑफ आई कितनी हो जाएगी, जितनी वी की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन के में ही रैंक नलिटी रेंज अभी हम बात कर रहे हैं, तो पूरा आर ऑफ टी क्योंकि वी के इक्वल हो गया, तो दोनों के डायमेंशन भी, रैंक ऑफ आई का मतलब यही हो गया ना, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ आई, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ आई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, समझ गए यहाँ पे। इसी तरह से अब हमने बात करनी है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, हर एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को जीरो के ऊपर मैप करती है ये ट्रांसफॉर्मेशन। देन एन ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, मतलब है यहाँ एक्स डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगने पे वो वी के जीरो को मैप करती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, इस डोमेन के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे भेज रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बताना है, वो एलिमेंट जो इसके जीरो पे जा रहे हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रही है, हर एक एलिमेंट को जीरो पे भेज रही है, इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें दे देगी। ठीक है, इसका मतलब है एन ऑफ जीरो में हमारे पास होल बी आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ एन ऑफ जीरो मतलब नलिटी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह आर ऑफ जीरो अगर हमें निकालना है, मतलब जीरो ऑफ एक्स, एक्स एलिमेंट्स की वो इमेज हमें बतानी है सच दैट ये एक्स कहाँ से है, डोमेन से। ठीक है, जीरो, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर क्या रही है, हर एक एलिमेंट को जीरो के ऊपर मैप कर रही है, तो रेंज के अंदर क्या जाएगा, सिंपली इमेज में क्या आएगा,
हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आनी है, जीरो आनी है, तो यहाँ पे सिंगलटन एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज जीरो। तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ जीरो इज, ये जीरो ऑपरेटर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, या कहें हम यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू जीरो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉब्लम, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इससे हम काफी कुछ सीखेंगे कि किस तरह से काम होता है रैंक नलिटी थ्योरम। सो पी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर फोर टू आर क्यूब, ठीक है, और वो इस तरह से डिफाइन की हुई है, प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को कहाँ लेके जा रही है वो नहीं बताया है, जो बेसिस एलिमेंट को कहाँ मैप करती है उसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है, ठीक है, ये भी एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने का। देन हमने सिल्वेस्टर लॉ जो मैं बोल रही थी, रेंज रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन, डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लेक्चर में करना क्या है, पहले तो रेंज स्पेस निकालना है टी का, नल स्पेस निकालना है, देन उनके डायमेंशन है उनको ऐड करके हमने बताना है कि वो फोर आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन ऑफ टी के बारे में, ठीक है, नल स्पेस के बारे में हमें आप बात करेंगे, उसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो उससे पहले नल स्पेस किन किन वेक्टर से स्पैन हो रहा है वो पता होना चाहिए, मतलब उसके बेसिस में कितने वेक्टर होंगे वो अगर पता होगा तो उसके डायमेंशन इजीली हम बता पाएंगे, ठीक है। सो अभी क्या करना है, लेट एन ऑफ टी के अंदर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया। अब एन ऑफ टी किसका सबसेट होता है, डोमेन का, तो डोमेन के अंदर है, मतलब ये सबसेट है किसका, आर फोर का, तो यू कोई वेक्टर है वो उसमें फोर टपल्स होंगे, ठीक है। तो यू मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, और ये बिलोंग करता है क्योंकि एन ऑफ टी के अंदर, एन ऑफ टी के अंदर वेक्टर्स जो होते हैं वो किस क्या बिहेवियर रखते हैं कि उनके ऊपर जब आप टी ऑपरेट करोगे तो वो किस पे, जीरो पे मैप होगा, जीरो किसका, आर क्यूब का जीरो, तो वो आर क्यूब का जीरो किस तरह का रहता है इस टाइप से। नाउ टी ऑफ यू दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जीरो जीरो, सॉरी आर क्यूब का है ना वो तो वेक्टर, ओके। नाउ यू वेक्टर बिलोंग करता है एन ऑफ टी में, मतलब वो सबसेट है आर फोर का, तो ऑब्वियसली यू वेक्टर को हम आर फोर की बेसिस, बेसिस ऑफ आर फोर यहाँ पे क्या ली हुई है, ई वन ई टू ई थ्री फोर, ई वन का मतलब क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट वन, रिमेनिंग थ्री कोऑर्डिनेट जीरो, ई टू मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट वन, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट जीरो, ई थ्री जीरो कोमा जीरो कोमा वन कोमा जीरो, एंड ई फोर इज जीरो 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 वन, ठीक है। तो u वेक्टर क्योंकि r4 का वेक्टर है वो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और क्योंकि ये एलिमेंट्री बेसिस है नेचुरल बेसिस है, तो कोई x1 x2 x3 x4 टाइप का जो कोई भी वेक्टर आएगा वो x1 टाइम्स e1 लिखा जाएगा, x2 टाइम्स e2, x3 टाइम्स e3 प्लस x4 टाइम्स e4। तो इस u वेक्टर को हम लिख सकते हैं x1 e1 x2 e2 x3 e3 x4 e4 is mapped on 0 0 0। किसी बच्चे को डाउट है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, e1 की वैल्यू लगाएगा, e2 की वैल्यू लगाएगा, e3 e4 की, और देखेगा क्या वो यही आ रहा है, ओके। नाउ t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो ये स्केलर्स बाहर करके t e1 में भी अप्लाई हो जाएगा, x2 टाइम्स t ऑफ e2, x3 टाइम्स t ऑफ e3, x4 times t of e4 is equals to, अब t of e1, e1 r4 का एलिमेंट था, उस पर t अप्लाई होने के बाद वो r3 का एलिमेंट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, x1 times 1 1 1 ये गिवन है, x2 times यहां से 1 minus 1 1, x3 times 1 0 0 plus x4 times 1 जीरो वन इज इक्वल्स टू, हम इजिली हम देख पा रहे हैं इधर भी तीन ही टपल है हर एक एलिमेंट के पास और राइट साइड में भी तीन, ये एकदम करेक्ट हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। अब क्या करना है, इनको इक्वेट करना है जीरो के, अब यहाँ पे क्योंकि एन ऑफ टी में कौन से एलिमेंट्स हैं या एन ऑफ टी किससे जनरेट होता है उसकी बात करनी थी, तो एक्चुअल में यू को हम डिफाइन,
यू का नेचर कैसा है, यू के अंदर किस यू किस टाइप के आर्बिट्री एलिमेंट है जो एंट्रोपी में बिलोंग करते हैं, वो उनका हमने बिहेवियर देखना है यहाँ पे। तो ये बनेगी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया। सेकेंड टपल इज एक्स वन माइनस एक्स टू, थर्ड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स फोर इज इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो। नाउ इनको जब हम इक्वेट करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स फोर इज इक्वल्स टू जीरो। दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू एंड दिस इज 2x1 plus x4 is equals to 0, so x4 is minus twice x1। इसी तरह से x3 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, x3 is equals to minus x1 minus x2 minus x4। So x1 की फॉर्म में निकाल लेते हैं, x1 as it is minus x1, x2 is again minus x1, x4 is plus 2x1। तो ये यहाँ पे x3 की वैल्यू आ गई है 0। ओके तो ये जो u आर्बिट्रेरी वेक्टर था दैट इज x1 x2 x3 x4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x1 यहाँ पे है, x2 की वैल्यू भी x1 है, x3 जीरो है, x4 इज माइनस टू एक्स वन। सो x1 जब यहाँ पे कॉमन आएगा 1 1 0 -2। तो नल स्पेस के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया था वो इसी फॉर्म का दिखेगा। इस इट मीन्स नल स्पेस जो है हमारा वो जनरेट होता है किससे, 1 1 0 -2 वेक्टर से। ओके देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, और हम बोले कि म्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर ऑफ टी के बारे में बात करेंगे हम कि रेन स्पेस कितने वेक्टर से जनरेट करता है हमारे पास। अब रेन स्पेस आर ऑफ टी के अंदर कौन से वेक्टर्स होते हैं, टी ऑफ यू टाइप के, यू जो कि डोमेन का वेक्टर है, डोमेन है हमारे पास आर फोर। ओके नाउ टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी, तो वी कहाँ का वेक्टर होगा, आर क्यूब का, बिकॉज टी इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर फोर टू आर क्यूब। क्लियर, ओके तो आर ऑफ T of U belong करता है R of T में, is it means T of U की value है V, V is V belongs to R Q, V belongs to R of T, okay। Now देखिए U vector x1, x2, x3, x4, V is equals to T of x1, x2, x3, x4। इस वेक्टर को हम कैसे, अभी हमने लिखा था विद द हेल्प ऑफ बेसिस, हम लिख सकते हैं x3 e3 x4 e4, दिस v इज इक्वल्स टू x1 t of e1 x2 t of e2 x3 t of e3 x4 t of e4 t of e1 की वैल्यू फॉर्म माइनस वन वन एक्स थ्री वन जीरो जीरो एक्स फोर टाइम्स वन जीरो। ठीक है, तो अभी हमने जो वैल्यूज निकाली थी ये यहाँ पे इस टपल की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो v वेक्टर है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, v v वेक्टर te1 te2 te3 te4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक है, te1 का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि v कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर था R क्यूब का। ठीक है, कोडोमेन का, कोडोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो पूरा आर ऑफ टी है वो स्पैन होता है किससे, आर ऑफ टी इज स्पैन बाय द सेट टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू टी ऑफ ई थ्री
24 से स्पैन होता है। सो अब स्पैन होता है, बट इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। अब टी ऑफ इवन मतलब है 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 0 0, 1 0 1, ठीक है। इन वेक्टर्स में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चूज करने हैं, वो आप किस तरह से कर सकते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। 1 माइनस 1 1, 1 0 0, 1 0 1, ठीक है। इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में वेक्टर को रो एलिमिनेशन लगा के हम चेक कर लेंगे कि कितने वेक्टर्स इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो वही क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेंज स्पेस के अंदर आ जाएंगे, ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है। और वही क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ आर ओ टी, तो ये आपने टास्क करना है। डायमेंशन इसकी यहाँ पे आनी चाहिए कितनी, डायमेंशन ऑफ आर ओ टी यहाँ पे 3 आनी चाहिए, बिकॉज नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आई थी, रो ऑफ टी प्लस म्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 4 आनी चाहिए। म्यू ऑफ टी यहाँ पे नलिटी, यहाँ इसकी सॉरी डायमेंशन कितनी आई थी, नलिटी ऑफ टी इज 3 इज 1, सो यहाँ पे रेंज जो है रैंक उसकी आनी चाहिए यहाँ पे, टी की रैंक 3। तो ये आपने देखना है कि इन चारों में से कोई 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, उनसे आर ऑफ टी जनरेट होगा, ठीक है। आर ऑफ टी आपका हो जाएगा, उसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी, सिल्वेस्टर को यहाँ पे वेरीफाई। तो ये काम आपने यहाँ पे करना है, इनमें से लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आर क्यूब से आर फोर पे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या होगी ये हमें बताना है, बट सिर्फ हमें गिवन इतना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस आता है वो किससे जनरेट हो रहा है, 0 1 माइनस 3 और 0 माइनस 3 4, ये दो वेक्टर मिलके इसके नल स्पेस को जनरेट कर देते हैं, ठीक है। इतना गिवन है, तो ये कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसका नल स्पेस इससे जनरेट होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। सबसे पहले नल स्पेस इससे जनरेट हो रहा है कि क्या ये दो वेक्टर्स अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो दो ही वेक्टर जहां होंगे वहां हम इजीली ये देख सकते हैं कि क्या एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, क्या कोई किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो दूसरा वेक्टर मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब है। एंड ये जो दो ये सेट है इन दो वेक्टर्स का, ये दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एन ऑफ टी की डायमेंशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो एन ऑफ टी हमें पता है ये सबसेट होता है डोमेन का, आर क्यूब का, तो अभी एन ऑफ टी ही ये बेसिस हो गई बिकॉज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एन ऑफ टी की डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 3 होगी, ओके। तो एन ऑफ टी सबसेट है आर क्यूब का, और इसकी बेसिस को एक्सटेंड करके आर क्यूब की बेसिस हम ऑलवेज बना सकते हैं। सो एक्सटेंड दिस सेट जिसमें दो वेक्टर हैं 0 1 माइनस 3 एंड 0 माइनस 3 4 टू फॉर्म द बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है। अब उसको एक्सटेंड कर दिया, उसमें एक वेक्टर और ऐड कर दिया 0 1 माइनस 3, 0 माइनस 3 4, और ये वेक्टर आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं, कंडीशन मस्ट बी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो चेक करने के लिए आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के 3 वेक्टर्स को और रो एलिमिनेशन लगा के वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो अब ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर्स का सेट है अब यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इस बेसिस ऑफ आर क्यूब की ये बेसिस बना देगा, बिकॉज आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट उसकी बेसिस बना देता है। अब देखिए हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है, तो ऑब्वियसली इमेज भी वहां हमें लेनी पड़ेगी। 0 1 और -3 ये वेक्टर नल स्पेस के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये इमेज कितनी देगा, आर फोर के 0 0 0 पे मैप होगा, आर फोर के 0 के ऊपर मैप होगा। इसी तरह 0 -3 और 4 ये वेक्टर भी नल स्पेस में है, तो ये भी अपनी इमेज क्या देगा, 0 वेक्टर आर फोर का, बट 1 0 0 ये वेक्टर नल स्पेस में नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया था, तो ये आर फोर के मान लीजिए किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर के ऊपर ये अपनी इमेज देता है, ठीक है। मान लीजिए 1 0 0 0 इस वेक्टर के ऊपर अपनी इमेज ये ले रहे हैं, अगर हम ये वेक्टर चेंज कर देंगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बट वो क्या रहेगी, ऑलवेज नल स्पेस इन वेक्टर्स की इमेज ऑलवेज यही देती रहेगी, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। अब ये हमने क्या कर दिया, इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने की थी उसमें भी क्या था कि
एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, नहीं पता था कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस सेट है, डोमेन का बेसिस जो थी, उसकी हमें इमेज जरूर पता थी। तो वही यहाँ पे अभी हमारे पास हो गया। अब लेट एक्स वाई जी कोई एलिमेंट आर क्यूब का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लिख सकते हैं किसकी हेल्प से, बेसिस की हेल्प से। बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है 0 -3 4 प्लस सी टाइम्स 1 0 सी। ठीक है, नाउ एक्स वाई जी सॉरी ए बी सी की वैल्यू हम एक्स वाई जी की टर्म्स में निकाल लेंगे तो हम क्या बता पाएंगे कि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट वेक्टर एक्चुअल में था क्या। तो ए यहाँ पे इन टपल्स में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट टपल में आएगा सी, सेकेंड इज ए माइनस थ्री बी एंड थर्ड इज माइनस थ्री ए प्लस फोर बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी। सी की वैल्यू यहाँ हो गई एक्स, ए माइनस थ्री बी इज वाई, माइनस थ्री ए प्लस फोर बी इज जी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू सबकी चाहिए, सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास, ए और बी की वैल्यू और दोनों यहाँ इन दोनों इक्वेशन से निकाल के बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर वाई प्लस थ्री जी ओवर फाइव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आर्बिट्रेरी वेक्टर था एक्स वाई जी आर क्यूब का, वो किस टाइप से लिखा जा सकता है। अब उसकी इमेज कितनी हो जाएगी, ए टाइम्स टी ओ 0 + 1 - 3, बी टाइम्स 0 - 3 4 प्लस सी टाइम्स टी ओ 1 0 c। नाउ इनकी इमेज हमें पता है, इनकी इमेज कितनी आती है, ये मैप होता है 0 0 0 0 पे। इसी तरह बी बी टी ओ सेकेंड वेक्टर भी क्योंकि नल स्पेस में है। नाउ दिस वेक्टर मैप होता है किस पे, 1 0 0 0, इसका मतलब है ये वेक्टर किस पे मैप हो गए, सी 0। ठीक है, इमेज ये आ गई। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी इज एक्स, तो इसका मतलब हो गया आपके अगर ये मैपिंग हमने इस तरह से डिफाइन की है, ये थर्ड वेक्टर पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर ये आप चेंज करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इमेज यहाँ चेंज आ जाएगी। तो ये कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर एक्स वाई जी आर क्यूब का वो आर फोर के इस वेक्टर के ऊपर मैप होता है, कब, जब हमारे पास नल स्पेस कैसा हो, इससे जनरेट हो रहा है, इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है जो कि आर क्यूब से आर फोर होगी, जिसका रेंज स्पेस इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, आर ऑफ टी का मतलब क्या होता है, टी ऑफ यू, जबकि यू कहाँ का वेक्टर है, आर क्यूब का। ठीक है, आर ऑफ टी ये होता है, बट ये आर ऑफ टी किससे जनरेट हो रहा है, इन दो वेक्टर से, 1 2 0 - 4 और 2 0 - 1 - 3। इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ यू टाइप के ये इमेजेस हैं, मतलब यहाँ पे अगर आर क्यूब के बेसिस वेक्टर की हेल्प अगर हम लें, ठीक है, अभी जैसे नल स्पेस में भी बेसिस वेक्टर की हेल्प ली थी, इस तरह से आर क्यूब के बेसिस वेक्टर की हेल्प लेके टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू, देखो बेसिस, लेट बेसिस ऑफ आर क्यूब कितनी हो जाएगी, ई वन ई टू ई थ्री। ठीक है, उनके बेसिस वेक्टर की हेल्प लेके कितनी हो जाएगी, उनकी इमेजेस क्या हो जाएंगी, टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू टी ऑफ ई थ्री, जिनमें से दो वेक्टर तो ये दिए हुए हैं, थर्ड वेक्टर हमें नहीं मालूम है। आर ऑफ टी इससे जनरेट होता है, आर ऑफ टी ऑब्वियसली सबसेट है आर फोर का यहाँ पे, तो टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू टी ऑफ ई थ्री, क्योंकि इसके बेसिस में तीन ही वेक्टर होंगे, उनकी इमेज दो तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 2 0 - 4 इमेज है इसकी, एंड 2 0 - 1 - 3, ये दो वेक्टर्स से तो आर टी जनरेट होता है। पूरा आर फोर जनरेट होने के लिए एक वेक्टर और कोई भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि आ ये यहाँ पे 0 0 0 पे, या कोई और वेक्टर भी आप यहाँ चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अब क्या किया क्या है, यहाँ पे हमने बेसिस की इमेजेस बताई, ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके ऊपर अप्लाई होती है आर क्यूब पे, आर क्यूब की बेसिस कैसे बिहेव कर रही है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगेन क्या करना है, एक्स वाई जी आर क्यूब का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। अब वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैसे, अपनी बेसिस
के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, एक्स टाइम्स ई वन वाई टाइम्स ई टू जी टाइम्स ई थ्री लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ टी ऑफ, बिकॉज हमें क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, और वो होती है टी ऑफ दिस, किससे जनरेट हो रहे हैं वो, एक्स टाइम्स टी ऑफ ई वन वाई टाइम्स टी ऑफ ई टू जी टाइम्स टी ऑफ ई थ्री। टी ऑफ ई वन की वैल्यू यहाँ पे लगाइए 1 2 0 -4 वाई 2 0 -1 -3 प्लस सी टाइम्स 0 0 0। अगर यहाँ आप कुछ और कंसिडर करते तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप चेंज मिल जाती, बट जो चीज़ स्टैंडर्ड रही वो ये कि उसका रेंज स्पेस हमेशा इसी से जनरेट होता रहना चाहिए। क्वेश्चन में जो चीज़ दी है वो हमें गलत नहीं करनी है, अदरवाइज आप ट्रांसफॉर्मेशन और भी लिख सकते हैं। नाउ अब इनकी यहाँ पे वैल्यू देखिए, एक्स प्लस टू वाई टू एक्स और ये हो गया माइनस वाई माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आई जो क्या करती है, आर क्यूब से आर फोर पर डिफाइन है और उसका रेंज स्पेस इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज करते हैं वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी आपकी, क्लियर। तो इस तरह से ये फिफ्थ चैप्टर आपने एक्सरसाइज इसकी 5.1 कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 5.1 चैप्टर। ओके, थैंक यू।